किसानों को खेती के लिए बैंकों से दिए जाने वाले कर्ज में से ही फसल बीमा की किस्तें काट ली जाएंगी। कर्ज को लेकर की जाने वाली खेती बाड़ी का बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के मार्फत लिए जाने वाले कर्ज पर ये प्रावधान लागू होगा ताकि आपदाओं के चलते किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। किसान आय बीमा योजना में किए गए संशोधनों में इसे शामिल किया गया है। बीमा योजना में फसलों के नुकसान के आकलन की इकाई को और सीमित कर दिया गया है। आकलन के लिहाज से छोटी इकाई ब्लॉक के बजाय अब ग्राम पंचायतें होंगी। इससे वास्तविक पीड़ित किसानों को लाभ होगा। बीमा कंपनियों के आर्थिक क्षति की आशंकाएं भी कम हो जाएंगी। 2013-14 तक किसानों से फसल बीमा प्रीमियम से कुल 10,500 करोड़ रुपए जुटाए गए। वहीं फसलों के नुकसान के एवज में बीमा कंपनियों को लगभग 33,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में 63 देशों के साथ करार किया है। कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में 63 देशों के साथ 77 करार किए हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि इस करार से भारतीय कृषि को बहुत फायदा होगा। हम दूसरे देशों की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल अपने देश में करेंगे, साथ ही अपने देश की उन्नत तकनीक से विदेशों को फायदा पहुंचाएंगे। नई तकनीक और कृषि में नई खोजों से ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया भर के किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा, साथ ही विश्व कृषि उत्पाद और गुणवत्ता में बढ़ोतरी भी होगी। फसल बीमा को किसानों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने रबी सीजन 2013-14 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी NAIS के स्थान पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी MNAIS को लागू कर दिया है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों से मिले ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में रबी सीजन 2013-14 के दौरान NAIS को ही लागू करने की इजाजत दी गई है। यही नहीं, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को साल 2014-15 में या तो NAIS अथवा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा मौजूदा फसल बीमा के कवरेज में बढ़ोतरी की गई है ताकि प्रतिकूल हालात के चलते फसलों को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को व्यापक भरपाई की जा सके। देश में कृषि सुधार को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी गंभीरता से काम कर रही हैं। पंजाब में CII एग्रोटेक 2014 का उद्घाटन करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, यदि देश का भला करना है और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशनी हैं, तो केंद्र सरकार को रेल और डिफेंस की तर्ज पर कृषि का भी अलग बजट तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार को स्वामीनाथन कमेटी की सलाह के अनुसार बढ़ रही लागत को देखते हुए गेहूं और धान जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए, जिससे किसानों की आय में सुधार हो। साथ ही जल सिंचाई सुविधाओं जैसे नहर को विकसित करने, आधुनिक बनाए जाने, विकसित होती हुई तकनीक और अनुसंधान पर भी काम करना चाहिए। झारखंड में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा से महरूम क्षेत्र के किसानों को अब सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। इसके तहत किसानों को प्रशिक्षण के अलावा बीज, खाद और तकनीक मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग को निर्देश भी मिल चुके हैं। सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में किसान काफी पूर्व से ही तत्पर रहे हैं, पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किसानों की विशेष मदद नहीं मिलने से उत्पादन प्रभावित होता रहा है। राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या कम है। सरकार के द्वारा अब मोटे अनाज की तर्ज पर ही सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत बेहतर उत्पादन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। नई सब्जी उत्पादन तकनीक से किसानों को जोड़कर उत्पादन में वृद्धि करना सरकार का उद्देश्य है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज भी अनुदानित मूल्य पर किसानों को दिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर अगले साल से डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। ये डिप्लोमा कोर्स 3 माह का होगा। इसमें युवाओं को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विषय पर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड उद्यानिकी और वानिकी यूनिवर्सिटी भरसार द्वारा उत्तराखंड स्टेट सीड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट एजेंसी के सहयोग से ये डिप्लोमा कोर्स संचालित करेगा, जो अगले साल मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकारों के इस पहल से छात्रों में ऑर्गेनिक खेती को लेकर रुझान बढ़ेगा, साथ ही जैविक खेती को भी इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए
कृषि यंत्रों को अनुदान पर देने का निर्णय लिया है। अनुदान पर कृषि यंत्र देने के लिए 19 दिसंबर को ड्रॉ निकाला जाएगा। सरकार की ओर से विभिन्न कृषि यंत्रों जिसमें रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्पेयर पर अनुदान दिए जाएंगे। हालांकि जिन किसानों ने साल 2009-10 और उसके बाद जिस किसी कृषि यंत्र पर अनुदान ले लिया है, वो किसान उस कृषि यंत्र पर दोबारा अनुदान का लाभ नहीं ले सकता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन 17 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक भेजे जा सकते हैं। ये कृषि यंत्र किसानों को ड्रॉ के द्वारा दिए जाएंगे। कपास को फसल का राजा माना जाता है, लेकिन इस फसल को फुसारियम ऑक्सीस्पोरम फंगस नुकसान पहुंचा रही है, जिसे स्थानीय तौर पर कपास की मार बीमारी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र सरकार के कृषि आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जलगांव जिले के अमलनेर, परोला और चोपरा तहसीलों में तकरीबन 18,000 हेक्टेयर में कपास की फसल मार बीमारी से प्रभावित है। महाराष्ट्र सरकार अपनी विशेष परियोजनाओं के जरिए राज्य में कपास की फसल पर लगी बीमारी पर करीबी नजर रख रही है। हालांकि इस बीमारी का असर अभी व्यापक नहीं है, इसीलिए किसानों को इससे कोई खास नुकसान होने की संभावना नहीं है। दिल्ली के पूसा संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से आए पशु विज्ञान केंद्र के प्रमुख मौजूद थे। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य पशुओं को होने वाले PPR रोग पर रोकथाम को लेकर था। भेड़ बकरी वंशीय पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग को भेड़ बकरियों का प्लेग भी कहा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए स्वस्थ और बीमार पशुओं का टीकाकरण अभियान भी पूरे देश में चलाया जा रहा है। पूसा संस्थान में भी इस रोग को खत्म करने के लिए सेमिनार में मौजूद पशु विशेषज्ञों ने चर्चा की और अपने विचार रखे। हम रोड मैप बनाएंगे कि ये हमारे राज्य है, यहाँ ये बीमारी है, और हमारा जो वैक्सीन, जो आज की तारीख में हमारा जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन कितना कारगर है, क्या हमको नई वैक्सीन की ज़रूरत है, क्या हमको और ज़्यादा अच्छा कारगर वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है, टीका बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक जब हम वैक्सीनेशन में करते हैं तो एक कोल्ड चेन आती है, यानी कि जो वैक्सीन को जो है एक हम जो है ठंडे माध्यम में रखते हैं, तो कोल्ड चेन भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो क्या कोई ऐसी वैक्सीन बनाई जा सकती है जिसको कोल्ड चेन में रखना ही नहीं पड़े, ताकि हम अपने देश को जो है भेड़ों बकरियों में PPR मुक्त हम बिल्कुल कर दें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे आदर्श कृषि फार्म विकसित करने की योजना पर काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ कृषि मंत्रालय ने रायपुर के आसपास 3 आदर्श कृषि फार्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जहां उद्यानिकी, कृषि और बीज निगम से संबंधित योजनाओं का व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन हो सके। साथ ही जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार बनाने, कृषि मंडी परिसरों में दुकान बनाने के साथ साथ नगर निगम मुख्यालयों में कोल्ड स्टोरेज और फल सब्जी मंडी बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों के मंडी परिसरों को कृषि व्यवसाय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जरूरी कार्य योजना बनाने को कहा है। इन परिसरों में 10-10 दुकानें बनाई जाएं और कृषि से संबंधित रोजगार धंधे शुरू करने के लिए कृषि और कृषि अभियांत्रिकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को दी जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग फार्म मशीनरी बैंक योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत स्नातक किसानों को 10 लाख तक के कृषि यंत्रों पर 8 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। योजना के तहत मिलने वाले अनुदान से किसान थ्रेसर, क्रेसर, लेबलर और कल्टीवेटर सहित तमाम तरह के दूसरे कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को SC, OBC और जनरल कैटेगरी के 8 किसानों को मिलकर एक समूह बनाना होगा। इसमें 30% महिला और सभी किसानों का ग्रेजुएट होना जरूरी है। समूह बनने के बाद किसानों को बैंक में समूह के नाम का खाता खुलवाना होगा। खाते खुलने के साथ ही किसानों को 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराने होंगे। इसके बाद बैंक में कृषि यंत्रों की खरीद का ब्यौरा जमा कराना होगा। वो ब्यौरा बैंक सीधे कृषि विभाग को भेजेगी। उसी के आधार पर कृषि विभाग किसान समूह के बैंक खाते में 8 लाख रुपए जमा कर देगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में इसकी आवक तेज होने से चीनी उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। भारतीय चीनी मिल संघ के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल नवंबर में 11.4 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था,
इसकी तुलना में इस साल नवंबर में चीनी उत्पादन 56% बढ़कर 17.8 लाख टन रहा है। इस साल 30 नवंबर को देश में 297 मिले पेराई कर रही थी, जबकि पिछले साल इसी दिन तक 262 मिले ही चालू थी। पेराई सीजन 2013-14 में कुल 509 मिलों ने गन्ने की पेराई की थी। महाराष्ट्र में ज्यादातर मिलों ने पेराई चालू कर दी है। राज्य में पिछले साल 30 नवंबर तक 119 मिलों ने पेराई शुरू कर दी थी। उत्तर प्रदेश में मिलों ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। चीनी सीजन 2013-14 में भारत ने 21.17 लाख टन चीनी का निर्यात किया था। इसमें से 12.12 लाख टन कच्ची चीनी और 9 लाख टन सफेद चीनी थी। हिमाचल के मंडी में राज्य का सबसे बड़ा गोदाम बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस गोदाम का निर्माण भारतीय खाद्य निगम करेगी। इसकी भंडारण क्षमता 4,200 मीट्रिक टन होगी। राज्य में अब तक FCI के 3 गोदाम हैं, जिसमें लाहौल के कारगा, हमीरपुर और एक कुल्लू में हैं। इनकी क्षमता क्रमशः 1,670 और 1,100 मीट्रिक टन है। कांगड़ी के जंगल में इसके लिए FCI को 12 बीघा के लगभग जमीन मंजूर हो गई है। साथ ही देहरादून स्थित वन और पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। लगभग 12 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। FCI ने वन संपदा की क्षतिपूर्ति के लिए करीब 3.25 लाख रुपए जमा करवाए हैं। इसमें मंडी प्रशासन और ट्रक यूनियन का बड़ा सहयोग रहा है। भारतीय आम और सब्जी निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे संकेत हैं कि आमों का राजा कहा जाने वाला अल्फांसो आम फिर से यूरोप तक निर्यात हो सकेगा। भारतीय सरकारी अधिकारी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन भारतीय आम और अन्य सब्जियों पर लगाए गए आयात प्रतिबंध को हटा सकती है। जांच पड़ताल के बाद अब यूरोपियन यूनियन संतुष्ट है। इस साल EU ने भारत में आयात की जाने वाली सब्जियों और आम से संक्रमण फैलने का हवाला देते हुए 2015 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया कि हाल ही में EU ने फूड और वेटरनिटी ऑफिसर टीम ने भारत का दौरा कर पैक हाउस और अन्य सुविधाओं की जांच की थी। इसके बाद वे संतुष्ट दिखे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी भारतीय आम और सब्जियों से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। राजस्थान के कोटा में मनरेगा श्रमिक जल्द ही खेतों में निराई गुड़ाई सिंचाई फसल कटाई जैसे कार्य भी करते नजर आएंगे। पंचायती राज विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इसके तहत किसान ग्राम पंचायतों को कार्य के प्रस्ताव बनाकर देंगे, जिन्हें सरपंच मनरेगा को सौंपेगा। इसी आधार पर मस्ट्रोल जारी होंगे। मनरेगा को कृषि से जोड़ने के बाद किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिल जाएंगे। इससे श्रमिकों को भी पर्याप्त रोजगार मिल सकेगा और वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध बन सकेंगे। मनरेगा श्रमिक खेतों में मेड़ बंदी से लेकर निराई गुड़ाई सिंचाई और फसल कटाई आदि जैसे काम करेंगे। साथ ही कुएं की खुदाई और खेतों का पक्का रास्ता भी बना सकेंगे। पश्चिम बंगाल में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के बाद अब बुनकरों के लिए भी क्रेडिट कार्ड देने की मुहिम चलाई गई है। ये कदम सूबे के टेक्सटाइल विभाग ने उठाया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए बुनकर 25,000 रुपए तक का कर्ज हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए मार्केटिंग और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड वितरित करने के लिए राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 17,858 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। बुनकर उद्योग के विकास के लिए दिसंबर तक 1 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने की कोशिश होगी। क्रेडिट कार्ड देने के लिए नदिया, मुर्शिदाबाद, मर्दवान, हुगली और मालदा जिलों में शिविर लगाए गए हैं। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो दिखाएंगे आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार जल ग्राम योजना शुरू करने पर कर रही है विचार। केंद्र सरकार सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर जल ग्राम योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत हर जिले में एक गांव का चयन कर वहां पानी की समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना की शुरुआत जल की होगी। केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षक मंत्री उमा भारती ने कहा कि योजना के तहत हर जिले के एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जहां पानी का अभाव है। योजना का मकसद है हर घर पीने का पानी और हर खेत सिंचाई की सुविधा पहुंचाना। साथ ही इस योजना को लागू करने के लिए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी मदद ली जाएगी।
2015-16 को जल वर्ष मनाने की घोषणा करते हुए उमा भारती ने कहा कि अगले साल को जो जल सप्ताह मनाया जाएगा उसका विषय हमारा जिला हमारा जल होगा। इसके माध्यम से जल संरक्षण का संदेश जमीनी स्तर पर गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने देश से बिजली संकट दूर कर 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने शहरी इलाकों में सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 32,612 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। गाँव के कृषि और गैर कृषि इलाके में बिजली आपूर्ति के लिए अलग अलग फीडर लगाने और गाँव में बिजली आपूर्ति की दशा को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को मंजूरी दी है। कृषि और गैर कृषि फीडर को अलग करने के काम और ग्रामीण इलाके में आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में 43,033 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश में ग्रामीण इलाकों में डबल फीडर लाइन लगाने और शहरों में औद्योगिकी इस्तेमाल की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले कुछ सालों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। सरकार के इस कदम से देश में बिजली चोरी पर लगाम लगेगी और 24 घंटे बिजली देने का सपना पूरा करना आसान होगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिए हैं कि 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों से हटा लिया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में पर्यावरण जांच और एयर प्यूरिफायर के लिए पहल की जाए। दिल्ली में खास तौर पर गाड़ियों, खुले में प्लास्टिक और दूसरी चीजों को जलाने से प्रदूषण फैल रहा है। इससे प्रदूषण का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। पर्यावरण प्राधिकरण का कहना है कि राजधानी में हर दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और इससे निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम उठाते हुए 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों की साफ सफाई का जिम्मा निजी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है। मंत्रालय ने रेलवे के 12 जोन्स को आदेश जारी करते हुए जल्द ही इस सिलसिले में टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान में एक कदम आगे बढ़ाते हुए रेल मंत्रालय निजी कंपनियों को स्टेशनों की साफ सफाई से लेकर मेंटेनेंस का जिम्मा सौंपने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने देश के 50 अहम स्टेशनों को चिन्हित किया है जिनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी प्राइवेट पार्टी को दी जाएगी। रेल में निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हुए मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक निजी कंपनियों को टैग से लेकर प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय से लेकर पार्किंग एरिया तक को चमकाने का जिम्मा दिया जाएगा। गरीबी उन्मूलन को मूल मंत्र मानकर काम करने वाले कोलकाता मूल के गैर सरकारी संगठन कृषि विकास शिल्प केंद्र और केंद्र सरकार की मदद से कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में विश्व एड्स दिवस के मौके पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा, कृषि विकास शिल्प केंद्र के महानिदेशक प्रसूनजीत बोस समेत कई खास लोग मौजूद थे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और मेहमानों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। इस दौरान एड्स पर लगाम लगाने के लिए काम कर रहे सामाजिक संस्थान के साथ साथ आम लोग भी मौजूद थे। वहाँ मौजूद लोगों ने HIV पॉजिटिव के पीड़ितों की मदद के लिए एकजुट होने का वचन लिया और कहा कि ये लड़ाई केवल रोगियों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की ही नहीं है बल्कि इसमें सभी संबंधित पक्षों, हिस्सेदारों, परिवारों और समुदायों को एकजुट होकर टीम भावना से काम करने की आवश्यकता है। नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया है कि रोज कीवी फल खाने से दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। ये फल न सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली वसा को कम करता है बल्कि खून को पतला रखकर थक्का जमने की संभावना भी कम करता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 25 दिनों तक रोज 2 या 3 कीवी फल खाता है तो उसके शरीर में वसा जमा होने तथा खून का थक्का जमने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस फल के कारण खून में पाए जाने वाले ट्राइग्लिसराइड, वो वसा जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल का अंश होते हैं, भी लगभग 15% कम हो जाते हैं। आज देश डायरी में बस इतना ही। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63
नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 01204980000, साथ ही 0011।